इस वक्त पाकिस्तान में हर तरफ जिस शख्स की धूम है, यहाँ तक जो शख्स डिस्कस हो रहा है वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान है। इमरान खान को अगर हम पाकिस्तानी तारीख का सबसे मकबूल तरीन वज़ीर आज़म या सबसे मकबूल तरीन शख्स कहें तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। और इस वक्त पाकिस्तान का ये आलम है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अवाम किसी भी तरह का कोई प्रोपेगेंडा या किसी भी तरह की कोई कोबका बयान जो इमरान खान के ख़िलाफ़ हो सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हाल ही में जैसे हमने देखा, पाकिस्तान क्रिकेट के मारूफ और मशहूर खिलाड़ी और साबिक कैप्टन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के शाहिद अफरीदी लाला, कोई वो नेगेटिव इस तरह की कोई उन्होंने क्या कह सकते हैं तनकीद नहीं की थी, लेकिन लोगों ने फिर भी उस तनकीद को जो है वो बर्दाश्त नहीं किया और लाला के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा तनकीद हुई और इस वक्त भी सोशल मीडिया में लाला के ख़िलाफ़ बयानियाँ आ रहा है। कहने का मकसद ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के ये हालात हो चुके हैं कि कोई भी शख्स जो इमरान खान के ऊपर तनकीद करेगा वो अपने रिस्क पर कर सकता है, उसे फिर कोई दूसरा शख्स उस तनकीद की ज़द से बचा नहीं सकता। और ये आलम है इस वक्त कि अगर घर में बाप और बेटा बैठे हुए हैं और बाप जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बात करे तो बेटा उसको वहीं पर जवाब देगा या वहीं पर टोक देगा। यानी ये हालात पाकिस्तान के इस वक्त बने हुए हैं और पॉपुलैरिटी की टॉप और इंतहा पर जो है इमरान खान पहुंच चुके हैं। लिहाजा लाला को ये मशवरा कि लाला अपने तनकीद जो है वो बाद में कीजिएगा। और वैसे भी इस वक्त चूँकि इमरान खान जो लड़ रहे हैं वो एक करप्ट माफिया और एक बहुत बड़े टोले के साथ लड़ रहे हैं, तो ऐसे में उन पर तनकीद करना दूसरे ग्रुप को सहारा देने के बराबर होगा। लिहाजा इस वक्त तनकीद ना करें, उन्हें सपोर्ट करें, उनके अच्छे कामों को सराहें और पब्लिक में खुद भी आएँ और PTI का साथ दें, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है और इससे आपकी इज़्ज़त में मज़ीद इजाफा होगा, आपकी इज़्ज़त में कमी नहीं आएगी। लिहाजा ये मेरा मशवरा है, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो आप इमरान खान के साथ खड़े रहें, उनके ख़िलाफ़ कोई बात ना करें।